जितने भी लोग पढ़े ग्रेजुएट हैं उनको भी नौकरी नहीं मिली, उनके लिए भी मोदी कहने के लिए पसंद है, हमें तो मोदी पसंद नहीं है, पसंद नहीं है, नहीं है। केजरीवाल आना चाहिए दिल्ली के अंदर, केजरीवाल का मैं सपोर्ट करता हूँ जी बिल्कुल। अच्छा। अच्छे काम करे उसने लोगों के लिए। हाँ, ये सीट जो है ये मनोज तिवारी दो बार का सांसद रहे हैं, तीसरे बार भी बीजेपी ने उनको सीट दिया है। उसने बीजेपी मनोज तिवारी ने जिस टाइम पे इलेक्शन के लिए वो लेने के लिए आया था और वोट लेने के लिए आया था दिखा था, उसके बाद तो नजर भी नहीं आया था। बदलाव क्यों चाहते हैं? क्योंकि बदलाव यूँ चाहते हैं कि गरीब आदमी और गरीब हो रहा है, अमीर आदमी और अमीर हो रहा है। बताओ तुम देख लो रिक्शे वाले, किसी से पता कर लो, जो रेडी पटरी वाले हैं वो गरीब भी बेचारे सही तरीके से अपने घर बच्चे नहीं पाल पा रहे। और विकास बहुत किया है मोदी जी ने। क्या विकास किया है बताओ, विकास क्या है? यहाँ विदेशों में घूम घूम के वहाँ पे जाके विकास क्या हो तो कह नहीं सकते। अच्छा। बाकी इंडिया में तो कोई विकास है नहीं ऐसा। मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कह रहे मोदी जी जी रहे हैं आप लोगों के लिए बहुत विकास किया। झोला उठा के आए थे और झोला उठा के चले जाएंगे, कुछ नहीं होना विकास, कुछ नहीं हुआ अभी तक, अन्ना होने का विकास नहीं दिखाई दे रहे। लाइट पानी कई वाले दे रखी है फ्री, गरीब आदमी को चाहिए क्या? लाइट पानी फ्री चाहिए और आदमी को नौकरी चाहिए, वो मिल नहीं रहे, बेरोजगार देखो कितना बेरोजगार पड़ा है यहाँ पे लोग। अभी जब चुनाव है तो बड़े बड़े दिग्गज नेता मैदान में उतर जाएंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी का तो नेता जेल के अंदर है। आम आदमी अंदर है तो अभी जीतेगा वो। अच्छा। दिल्ली से वही जीतेगा। प्रशासन से एक ही बात कहूंगा, आपसे केंद्र से भी एक ही बात कहूंगा, ईवीएम हटाइए, ईवीएम हटाइए और बैलेट पेपर लाइए, फिर देखें कि किसकी कैसी लहर है। अभी कह रहे हैं कि बेरोजगारी महंगाई के मुद्दे पे विपक्ष लड़ रहे हैं, तो ये मुद्दा लड़ रहा है। मैडम विपक्ष तो बर्बाद हो गया लड़ते लड़ते हम लोगों के चक्कर में। ये बताइए बेरोजगारी हर जगह है और महंगाई इतनी आसमान छू रही है, आसमान छू रही है महंगाई। मैडम मेरी ट्रेवल एजेंसी डूब गई है मेरी। यस मैडम, जो अब 6,000 रुपये का मैं काम करते थे वो करते हम 4,500 रुपये में काम। डीजल का अमाउंट देखिए, अब 2 रुपये डीजल का घटा दिया है तो बहुत बड़ी बात नहीं है। 2 रुपये घटाने के बाद इलेक्शन के ये 12 रुपये बढ़ाएंगे डीजल पे। यानी कि डर है आप लोगों को? डर हमें नहीं है, डर उन्हें है, वो अपनी प्योर बैंकिंग अच्छी कर रहे हैं। लेकिन वो तभी तो दंके के चोट पे कह रहे हैं कि 400 पार। मैडम वो तो ईवीएम हटा दीजिए, 400 पार के 100 पार नहीं होंगे गारंटी से। जो सही होता है ना उसे तो उठा के जेल में बंद कर रहे हैं। कौन है सही? केजरीवाल इतना बेस्ट मैन है इंडिया, मतलब दिल्ली का। अगर वो पीएम बन गया तो हर किसी को रोजगार मिलेगा, महंगाई सस्ती होगी, महंगाई जितनी आसमान छू रही ना वो डाउन हो जाएगी। लेकिन केजरीवाल को वोट फॉर केजरीवाल।